नमस्कार, मैं अरुण छाजेड। आज हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न, जिसके रिगार्ड में एक नोटिफिकेशन आया था। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 CR है तो आपके लिए ऑप्शनल है। वहां पे एक प्रोविजो है जो कि डीम्ड टू बी फर्निस्ड की बात करता है। इसके रिगार्ड में कई लोग काफी अपना व्यू पॉइंट ये बताते हैं कि डेंजरस प्रोविजन है। एक्चुअल में हकीकत क्या है, और साथ में मैं एक नोटिस की भी बात करूंगा जो डिपार्टमेंट की ऑडिट के रिगार्ड में किसी एसएससी को आया है। तो दोनों का जॉइंट ट्रेडिंग करेंगे और लास्ट में मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा, सजेशन दूंगा। आइए सर, स्टार्ट करते हैं। सो द नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 डेटेड 9th of October, एंड देन आई विल रीड द जीएसटी नोटिस इन एडीटी 01 for the department audit under section 65, read with rule 101. सबसे पहले मैं notification 47 की reading करता हूँ in exercise of the power conferred by section 148 of CGST Act. Central government, on the recommendation the council hereby notify those registered person. किसको notify कर रहा है? ऐसे registered person को notify कर रहा है जिसकी aggregate turnover in a financial year कितनी है? Up to 2 CR, and जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया, कौन सा रिटर्न? एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 सबसेक्शन 1, रीड विद रूल 80 सब रूल 1, वो हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है, एज द क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ टू फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19, ठीक है, फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर सच दैट द सेट पर्सन शैल हैव द ऑप्शन टू फर्निश द एनुअल रिटर्न। तो यहां पे क्या बना दिया उनके लिए? ऑप्शनल बना दिया। अब बात करते हैं उस प्रोविजो की जिसके रिगार्ड में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है। प्रोवाइडेड दैट सेड रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी फर्निश्ड ऑन द ड्यू डेट इफ इट इज नॉट बीन फर्निश्ड बिफोर द ड्यू डेट। एक व्यू पॉइंट ये कहता है कि सर डिपार्टमेंट मान लेगा कि रिटर्न आपने फर्निश कर दिया है, तो इसके क्या रिप्लिकेशन हो सकते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि सर इसके रिप्लिकेशन है कि डिपार्टमेंट कुछ भी डिमांड नोटिस इश्यू कर सकता है। जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है डेटा एनुअल रिटर्न में, ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन द GSTR 1। वी ऑल नो दैट फाइनली उसके बाद में एक सर्कुलर आया था, डिपार्टमेंट ने कहा कि जो एक्चुअल डेटा वो आपको लेना है, ठीक है। तो अब अगर मैंने रिटर्न फर्निश नहीं किया है और जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है अगर वो मान लिया जाएगा तो माइट बी डिमांड कैन बी रेस्ड, बट ये हकीकत नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट है कि डीमिंग जो प्रोविजन ऐड किया गया है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कई जगह प्रोविजन की जो टाइमलाइंस है उसको फिक्स या उसको लिंक किया गया एनुअल रिटर्न, कई जगह ड्यू डेट की बात की गई है और कई जगह फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न की बात की गई है। मैं बात करता हूं सेक्शन 62 की, जो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न की बात करता है, बाकी प्रोविजन का डिस्कशन नहीं करते। जो मुझे आपके साथ बात करना है मेन, वो बात करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम लिमिट की। हम जानते हैं कि जो असेसमेंट की नॉर्मल जो टाइम लिमिट होती है 5 ईयर फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन अंडर सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न के रिगार्ड में जो टाइम स्पेसिफाइड है आपके लिए, ये सेक्शन 44 का एक्सट्रैक्ट है। क्या कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, एंड बाद में एक प्रोविजो इंसर्ट किया हुआ है जो ये कहता है कि टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंड। अब जहां तक एक्सटेंशन की बात है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां पे वेव ऑफ ही कर दिया किसी प्रोविजन को, किसी एनुअल रिटर्न को, किसी क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, तो उन एसएससी का क्या डिपार्टमेंट कभी भी असेसमेंट कर सकता है आफ्टर कंप्लीशन द 5 ईयर? आंसर वुड बी नो। अगर ये प्रोविजो इंसर्ट नहीं होता डीम टू बी फर्निश तो शायद ये लाइफ टाइम ओपन रह सकता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डीमिंग फिक्शन इसलिए ऐड किया कि अगर इस डेट के बाद आपने फर्निश नहीं किया या आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मान लिया जाएगा, जैसे ही मैंने माना तो ये हर किसी प्रोविजन के लिए वो ड्यू डेट जो है वो कट ऑफ डेट बन जाएगी। ये बात मैंने एसएससी के फेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। अब मैं एक टाइम लिमिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम सभी जानते हैं 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी है, वहां पे दो डेट की बात की गई है, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अगेन यहाँ पे मैं वो पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न किसी के लिए ऑप्शनल है, किसी को जरूरत ही नहीं फाइल करने की, तो ये पॉइंट नंबर 2 आएगा ही नहीं। देयरफॉर
the point which has been added, the proviso which has been added, that deemed to be furnished. मतलब अगर नहीं किया है तो मान लिया जाएगा कि भाई उसने फाइल कर दिया, तो वो डेट बन जाएगी 30th नवंबर वुड बी द डेट फॉर ऑप्शन नंबर टू, पॉइंट नंबर टू. क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर. अब मैं बात करता हूं एक ऐसे नोटिस की जो कि आजकल फ्रिक्वेंट देखे जा रहे हैं. ये नोटिस है एडीटी 01 का, 65 में डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एसएससी का ऑडिट कंडक्ट कर सकता है. प्रोविजन हम थोड़ी देर में रीड करेंगे. एडीटी 1 के रिगार्ड में प्रोविजन डिस्कस करते हैं और बाद में मैं अपना आपको सजेशन बताऊंगा. एक बार नोटिस को रीड कर लेते हैं. पीरियड क्या चीज है? फाइनेंशियल ईयर जुलाई 17 टू मार्च 18. नोटिस फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट, वेयर इज इट हैज बीन डिसाइडेड टू अंडरटेक द ऑडिट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65. आई प्रपोज टू कंडक्ट द ऑडिट एट माई ऑफिस और एट योर प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑन 24th ऑफ अक्टूबर 2019 एंड वेयर इज you are required to afford the undersigned the necessary facility to verify the books of accounts and records or other document as may be required in this context and furnish such information as may be required and render assistance for time to complete the audit. You are hereby requested, you are directed to attend in person or through an authorized representative on 13th of October. Is notice ki agar date dekhenge, ye 27th of September ka notice hai. Before the undersigned and produce your books of accounts and records. In case of the failure to comply with this notice, it would be presumed that you are not in the possession of such books of accounts and proceeding as deemed fit may be initiated. Clear? Ab hum ek baar 65 ki basic reading karte hain. Section 65 of CGST Act, the commissioner or any officer authorized by him by way of the journal or special order may undertake audit of any registered person for such period at such frequency of the business transaction at the place of the business of the registered person. और द डिपार्टमेंट ऑफिस, दोनों में से कोई भी जगह ऑडिट कंडक्ट की जा सकती है. पीरियड टू बी कंडक्टेड शैल बी द फाइनेंशियल ईयर और मल्टीपल ईयर ऑफ. तो अभी जो हमने नोटिस देखा उन्होंने 17-18 फाइनेंशियल ईयर को कैप्चर किया है. नोटिस शैल बी विल बी इश्यूड टू द टैक्सेबल पर्सन एट लीस्ट 15 डेज इन एडवांस इन द फॉर्म एडीटी 01. तो हमने देखा था 27th ऑफ सितंबर, 13 अक्टूबर को प्रेजेंट करने के, यानी कि प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं. तो 15 डेज का गैप हो गया. Finalization क्या? Audit shall be completed within a period of 3 months from the date of the commencement of the audit, or under certain condition the period not exceeding 6 months as extended by the commissioner. जब audit conclude हो जाएगी तो proper officer, क्योंकि audit department की तरफ से की जा रही है, तो proper officer shall within 30 days notify its finding to the registered person in ADT 02, his right and obligation and the reason of such finding. Now the proper officer may initiate the proceeding for determination of the tax under section 73 jahan pe intention malafide nahi hai, ya section 74 jahan pe intention malafide hai, theek hai, for levy of the interest and or penalty if the audit conducted reveal any of the evidence. Wo aapko teen reason malum honge 73-74 ke, ki tax ya to pay nahi kiya ya kam pay kiya, dusra ITC zyada le li aur tisra refund excess claim kar liya, theek hai. I hope it's clear. This is the basic provision of the section 65. Now, considering this fact, this is my purely recommendation, not any suggestion, or you can not consider any opinion. कि आप अगर feasible है और अगर आपका data mismatch कर रहा है, especially data mismatch कर रहा है 3B और 1 में, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, जहां पे आपने 17-18 की आईटीसी को 18-19 में क्लेम किया विद इन द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, कुछ रिवर्स चार्ज का ट्रांजैक्शन छूट गया था रिपोर्ट होने के लिए, जिसको आपने अगेन नेक्स्ट एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में रिपोर्ट किया है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप एनुअल रिटर्न फाइल करें, ताकि जब ये जीएसटी की ऑडिट या कुछ भी आपके पास में नोटिसेस आते हैं, असेसमेंट होता है, तो आप एक एनुअल रिटर्न एज ए डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर सकें. Whenever there is a mismatch between the 3B and the 1, तो क्या है आपको वर्बली एक्सप्लेन करने, रिटन एक्सप्लेन करने के साथ साथ में क्या रहेगा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा. दिस इज प्योरली माई सजेशन. बट हाँ, अभी भी मैं कह रहा हूं उस प्रोवाइजो से डरने की कोई जरूरत नहीं है जो प्रोवाइजो नोटिफिकेशन में है कि इट विल बी डीम्ड, तो उस प्रोवाइजो को लेकर डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है. मेरे हिसाब से एज सच इसका जो डीमिंग प्रोविजन एड करने का रीजन था
वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. आई होप इट्स क्लियर. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो. एंड वन रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल टू हैव द रिसेंट अपडेट. थैंक यू वेरी मच.